हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप अपनी एमएस एक्सेल शीट के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर कैसे जो है आप यूजर लॉगिन आईडी फॉर्म को बनाएंगे और यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू उसके अंदर लॉगिन करेंगे। फ्रेंड्स, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको पता है आप सभी का बेवकूफ बनाया जाता है, आप सभी के इमोशंस के साथ खेला जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यकीन नहीं हो रहा ना, तो इस वीडियो का पूरा देखिए, आप अच्छे से जान जाएंगे कि आप सभी को किस तरीके से उल्लू बनाया जाता है। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो कैसे उल्लू बनाया जाता है पूरा मैंने इस वीडियो में बता रखा है, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। लेकिन हाँ, मैं आपको उल्लू नहीं बना रहा हूँ इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कोई इन्फॉर्मेशन जो है गलत शेयर करी आपके साथ, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है, बिंदास होकर जो मर्जी बोलिए, मेरा काम है आप सभी को सही इन्फॉर्मेशन देना। क्यों? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सिंपल सा मुद्दा है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन क्यों हाइड करना चाहते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपके पास जो भी डेटा है वो कोई ना कोई फ्रेंड्स उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है। तो ऐसे टाइम पर जो है ना, आप चाहते नहीं कि आपका डेटा जो है किसी और के साथ शेयर हो, सिर्फ वही देखे जिसको आप उस डेटा को दिखाना चाहते हो। फालतू अगर किसी और के हाथ में भी लग जाए वो डेटा, तो कोई और ना देख पाए। तो ऐसे में आप सभी जो है ना एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन जो है देखते हैं। तो ऐसे में आप यूट्यूब पे, गूगल पे, पता नहीं कहाँ कहाँ आप सर्च करते हैं, आपको नई नई टेक्निक दिखती है, लेकिन ये सिर्फ आपको लगता है कि ये सिक्योर मेथड है, लेकिन फ्रेंड्स सिक्योर मेथड नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको इतना तो बता रखा है फ्रेंड्स कि आप जो है किस तरीके से और भी ज़्यादा सिक्योर रख सकते हैं, इतना तो मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं इतना बता दूं, कब कौन सी सिक्योरिटी में कहाँ पे ग्लिच आ जाए, कहाँ पे क्या कोई बग आ जाए, हमें नहीं पता। देखिए, आने वाले जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के लेटेस्ट वर्जन्स हैं, जैसे एमएस ऑफिस 2016, 365, इन सब के अंदर तो आपको इंक्रिप्शन मेथड के जो ग्लिचेस थे पुराने, उन सभी को तो फिक्स कर दिया है। आज से पहले भी फ्रेंड्स, बहुत टाइम पहले, लगभग एक डेढ़ साल पहले, मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बना चुका था, उसके अंदर मैंने बताया था कैसे जो है आप पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उस वीडियो का लिंक भी जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो ऊपर आप आई बटन को चेक कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको जो है लिंक मिल जाएगा, ठीक है? तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिए, और उसके बाद ये वीडियो देखने के बाद आप मेरे को बताना कि अब आपकी क्या सोच है। फ्रेंड्स, मेरा तो बस इतना सा मोटो है ये वीडियो बनाने का, आपको अच्छे से अच्छी एजुकेशन मिले, ठीक है? और प्लस आपके साथ अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो आप सभी ना बेवकूफ़ ना बनिए, आप इंटेलिजेंट बने। क्योंकि आप अगर हमारी वीडियोस पे आते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी बताता हूँ जो आपको पूरे यूट्यूब में मुश्किल से ही कहीं देखने को मिलेगी, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके लिए चलना होगा मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं, हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपको जो है सबसे पहले एमएस वर्ड को जो है ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो है हम इसके अंदर देखेंगे कि हम कैसे इसमें पासवर्ड लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका वर्जन चेक कर लेते हैं। मैं आपको दिखा दूं, मैं यहाँ पे फाइल में जाता हूँ और आपको यहाँ अकाउंट में जाकर इसका वर्जन चेक करा देता हूँ। मैं अपने केस में एमएस ऑफिस प्रोफेशनल 2016 को यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए अब चलते हैं, देखते हैं कि हमें जो है किस तरीके से पासवर्ड लगाना है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे जो है डेवलपर मोड को इनेबल करना पड़ेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ ही होता है, आपको इसको इनेबल करने के लिए फाइल में जाना है और आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑप्शंस का, ये देखिए मेरा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो वर्ड ऑप्शन की ये विंडो जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पर कस्टमाइज रिबन पर क्लिक करना है और उसके बाद जो है आप यहाँ पे देखिए मेन टैब वाले सेक्शन में आना है आपको। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा डेवलपर, इसके ऊपर आपको चेक कर देना है और यहाँ से ओके प्रेस कर देना है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास डेवलपर मोड इनेबल हो गया है। अब यहाँ आने के बाद आप सभी को यहाँ पर क्लिक करना है विजुअल बेसिक पे, इसका शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस F11, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे आप करेंगे आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, ठीक है? ये विंडो जो है आप सभी के सामने ओपन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है इंसर्ट में और यहाँ पे आपको क्लिक करना है यूज़र फॉर्म पे। यूज़र फॉर्म पे क्लिक कर देना है तो आपके सामने जो है यूज़र फॉर्म आ जाएगा और आपके सामने टूल बॉक्स भी आ जाएगा। अगर बाय चांस आपके सामने टूल बॉक्स नहीं आता है तो जो है आप यहाँ पे व्यू में जाएंगे और यहाँ से टूल बॉक्स को इनेबल कर लेंगे, तो टूल बॉक्स जो है आप सभी के सामने आ जाएगा। अब इसके अंदर जो है फ्रेंड्स, पहले तो हम यहाँ पर दो लेबल लगा लेते हैं। एक लेबल यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं
और इसका कैप्शन जो है यहाँ से आपको चेंज कर देना है। तो कैप्शन में आप यहाँ पे लिख दीजिए एंटर यूज़र आईडी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटर यूज़र आईडी। तो देखिए ये रहा हमारा फर्स्ट लेवल। और एक लेवल और चाहिए हमें, यहाँ पे हम लिखेंगे पासवर्ड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पासवर्ड। तो ये इसके कैप्शन में आना है और आपको कैप्शन चेंज कर देना है। यहाँ पे लिखना है पासवर्ड। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड लिख दिया और उसके बाद जो है आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए कि आप कहाँ और कैसे रखना है। ये दो लेवल लगाने के बाद अब आपको यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स चाहिए जिसके अंदर आप पासवर्ड को राइट करेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए हमारे सामने ये रहा टेक्स्ट बॉक्स, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लगा लेना है। तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लगा लेता हूँ, एक ये रहा। इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ठीक है। ऐसी जो लेबल है, लेबल का नेम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लेवल 1 रहता है। हम कैप्शन चेंज करते हैं लेकिन जो इसका नेम है वो चेंज नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट। ऐसे आप इसे कर सकते हैं चाहे तो एडिट करके, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जब कोडिंग इस्तेमाल करेंगे तो उसमें ये वाला नेम फॉलो होता है, हम कैप्शन को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसके बाद जो है आपको दूसरा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स भी आप यहाँ पर अपने हिसाब से जो है सेट कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं अब हमारे सामने दो टेक्स्ट बॉक्स आ चुके हैं। अब इसके बाद जो है आपको एक बटन भी चाहिए जिसके थ्रू आप जो है लॉगिन करेंगे। तो ये रहा हमारा एक बटन, इसका नाम हम रखते हैं लॉगिन। तो बटन को सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे आ जाना है कैप्शन में और इसका नेम जो है चेंज कर देना है। तो यहाँ पे अब हम लिख देते हैं लॉगिन। अब आप देख सकते हैं हमारे पास फॉर्म आ गया है। अब इस फॉर्म का बाय डिफ़ॉल्ट नेम यहाँ पे देखिए यूज़र फॉर्म 1 आ रहा है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, हम यहाँ से लॉगिन फॉर्म कर देंगे सिर्फ कैप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं लॉगिन फॉर्म या लॉगिन पेज, जो मर्जी आप वो कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लॉगिन पेज कर दिया। इतना करने के बाद जो है फ्रेंड्स, आप सभी को दिस डॉक्यूमेंट पे आना है, उस पर डबल क्लिक करना है। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन में सेलेक्ट करना होगा ओपन, उससे पहले आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है और न्यू की जगह आपको ओपन को सिलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम में जब फाइल को ओपन करेंगे तो हमें इसको बताना है कि हम यहाँ पे फाइल को ओपन करने वाले हैं। तो जब हमारी फाइल ओपन होगी तब क्या होगा, यहाँ पे हम करेंगे एप्लीकेशन डॉट विजिबल, ठीक है, इक्वस टू क्या होगा फॉल्स, यानी हमारी जो एप्लीकेशन है वो विजिबल नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे हमें जब एप्लीकेशन विजिबल नहीं होगी तब हमें क्या शो कराना है, तब हमें फॉर्म को शो कराना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र फॉर्म 1, ठीक है, डॉट शो, यहाँ पे हम कर देंगे। तो यूज़र फॉर्म 1 डॉट शो, ये जो हमने यहाँ पे फॉर्म बनाया है इसका ये वाला नेम है, ठीक है। यहाँ पे कैप्शन नेम यूज़ नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस डॉक्यूमेंट में हमने फाइल को जब से हम क्लिक करेंगे यानी ओपन करेंगे तो एप्लीकेशन जो विजिबिलिटी है वो फॉल्स हो जाए और उसकी जगह यूज़र फॉर्म डॉट शो, यानी जो 1 नंबर का फॉर्म है वो शो हो जाए। तो 1 नंबर का फॉर्म ये रहा, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म हमें उसकी जगह शो करेगा। अब हमें यहाँ पे जो है पासवर्ड को एंटर करना है, यूज़र आईडी और पासवर्ड, और इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हम यहाँ पे लॉगिन बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको लॉगिन बटन को सिलेक्ट करना है और डबल क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखना है। यहाँ पे आप लिखेंगे इफ़ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वस टू, आपको जो है यहाँ पे यूज़र नेम लिखना है, जो भी आप यूज़र नेम लिखना चाहते हैं। तो मैं अपने केस में यहाँ लिख देता हूँ एनाकोंडा, आप कुछ भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो है जैसे आपने फर्स्ट यूज़र नेम दे दिया, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कंडीशन और डालेंगे और टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब इसके अंदर भी हम यहाँ पे जो है पासवर्ड एंटर करेंगे, तो यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं। तो पासवर्ड यहाँ पे मैं पासवर्ड ही लिख देता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए पासवर्ड लिख दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे देन स्टेटमेंट, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 और ये टेक्स्ट बॉक्स 2 क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्म पे। तो ये जो है फ्रेंड्स टेक्स्ट बॉक्स 1 है, आप देख सकते हैं, और ये वाला जो है टेक्स्ट बॉक्स 2 है, ठीक है।
लॉगिन बटन पे चलते हैं कोड पे अपने, यहाँ पे हमने देन स्टेटमेंट लगा दिया। अब इसके बाद क्या करना है, जब हमारा उसमें अगर यूज़र नेम एनाकोंडा आए और पासवर्ड में ये वाला पासवर्ड आए, जब ये स्ट्रिंग मैच हो जाए तब क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन जो है वो विजिबल हो जानी चाहिए, यानी जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो विजिबल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विजिबल इक्वल्स टू, पहले हमने फॉल्स किया था अब हम ट्रू करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने ट्रू कर दिया। और ये वाला जो फॉर्म है ये जो है अनलोड हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनलोड स्पेस मी, ठीक है। अब इसके बाद हम एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे, अगर ये सब हुआ, ठीक है, ये सब हो गया तब तो सिंपली एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी और फॉर्म वन अनलोड हो जाएगा। लेकिन बाई चांस अगर आपने वहाँ पे कोई पासवर्ड गलत कर दिया या यूज़र नेम गलत कर दिया, तब ऐसे केस में क्या हो ये देख लेते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स वन, ठीक है, वो क्लियर हो जाए, ऐसे ही लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स टू, क्योंकि हमने यहाँ पे दो ही टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल करें, तो यहाँ पे इसको भी हम क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम मैसेज क्या शो कराना चाहते हैं मैसेज बॉक्स में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एमएसजी बॉक्स, ठीक है, और यहाँ पे हम पासवर्ड कह रहा हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे रॉन्ग पासवर्ड, क्योंकि वहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए ना कि आपने पासवर्ड जो है या यूज़र आईडी जो है गलत एंटर किया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है, रॉन्ग यूज़र आईडी और पासवर्ड, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। हमने यहाँ पे मैसेज को प्रिंट करा दिया। अब प्रिंट कराने के बाद हमें यहाँ पे एक काम और करना है, जब हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे इस कंडीशन तक आ जाए, जब मैसेज यहाँ पे मैसेज बॉक्स में शो हो जाएगा, मैसेज बॉक्स में जब हमें आउटपुट, जब हम वहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड एंटर करेंगे, तब यहाँ पे जब जैसे ही हमें मैसेज शो हो रॉन्ग यूज़र आईडी और पासवर्ड, तो उसके बाद जो है हमारी एप्लीकेशन भी बंद हो जानी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट यहाँ पे क्विट, ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया। अब यहाँ पे हमने इफ़ को स्टार्टिंग में लगाया था, अब यहाँ पे हम एंड इफ़ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा कोड ये वाला कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव करने के लिए पूछेगा, तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे फाइल सेव करता हूँ अपने नाम से, शिवम के नाम से करता हूँ। और इसका जो सेव एज टाइप है ना, आपको मैक्रो इनेबल रखना है, ठीक है, वर्ड मैक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर देना है और सेव पे क्लिक कर देना है, बस। अब इस एप्लीकेशन को हम यहाँ से बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। अब इस एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं, तो देखिए जैसे हमारे पास ये एप्लीकेशन ओपन होगी तो फर्स्ट टाइम पे आपके सामने इनेबल कंटेंट करने के लिए बोलेगा, जो हमने मैक्रो सेट किया है उसे इनेबल करना है, तो इनेबल करेंगे तो हमारे सामने फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने एनाकोंडा लिखा था, ठीक है, और पासवर्ड में हमने पासवर्ड लिखा था। अब आप बोल रहे होंगे यहाँ पे शो हो रहा है, तो उसको भी हम इन सेट कर लेंगे, लेकिन पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। तो देखिए अब ये सेट हो चुका है, तो वापस जो है डेवलपर ऑप्शन में जाते हैं, विजुअल बेसिक पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे फॉर्म वन पे हम जाते हैं। तो ये वाला जो सेक्शन है हमारा पासवर्ड का, इसमें हम स्टार को शो कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम इसके अंदर कुछ टाइप करें तो पासवर्ड करेक्टर शो ना हो, तो यहाँ पे हम स्टार को टाइप कर देते हैं और इसको यहाँ से हम सेव कर देते हैं, ठीक है, और इसको क्लोज कर देते हैं और इस एप्लीकेशन को भी मैं बंद कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करूँगा तो देखिए यहाँ पे अब ये मेरे से यहाँ पे यूज़र फॉर्म दे देगा लॉगिन करने के लिए। तो देखिए एप्लीकेशन जो है हाइड हो गई। अब यहाँ पे मैं यूज़र नेम लिखता हूँ, यूज़र नेम लिखा मैंने यहाँ पे, और पासवर्ड में यहाँ पे मैं पासवर्ड लिख देता हूँ। तो देखिए अब पासवर्ड जो है स्टार के उसमें शो कर रहा है, जैसे ही मैं इसे लॉगिन करूँगा तो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है फ्रेंड्स यहाँ पे इसको हमने लॉगिन कर लिया। अब अगर चाहते हैं कि आपने किसी को मान लो ये फाइल दी और उसको पासवर्ड भी बता दिया, और अगर वो बंदा थोड़ा तेज़ निकले और आपका कोड वगैरह देख ले, तो अपने कोड को भी प्रोटेक्ट करना होगा, तो डेवलपर ऑप्शन में आपको जाना है, दोबारा विजुअल बेसिक पे जाना है। आप ये काम स्टार्टिंग में भी कर सकते थे,
मैंने आपको समझाने के लिए बताया ही, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाना है और प्रोटेक्शन पे जाना है। यहाँ पे लॉक प्रोजेक्ट फॉर व्यूइंग कर देंगे। पासवर्ड आप कुछ भी दे दीजिए, मैं यहाँ पे 12345 कर देता हूँ और कन्फर्म में भी 12345 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से कर देते हैं सेव और अपने वर्ड में वापस चलते हैं। अब अगर जैसे कोई इंसान आपका पासवर्ड चेक करना चाहे तो क्या करेगा, फर्स्ट टाइम आपको बोलेगा कि इसका यूज़र आईडी और पासवर्ड बताएं। अगर आप उसके साथ शेयर करते हैं यूज़र आईडी और पासवर्ड, ठीक है, अपने लॉगिन पेज की डिटेल्स, तो यहाँ पे वो एंटर करेगा और यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेगा। जैसे वो यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेगा, लॉगिन करेगा, तो वो सोचेगा चलो मैं डेवलपर ऑप्शन में जाके देख लूँगा इसका कोड क्या है। जैसे वो विजुअल बेसिक पे क्लिक करेगा और प्रोजेक्ट पे क्लिक करेगा तो देखिए यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, ठीक है, आपका कोड जो है यहाँ पे शो नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप सभी अपने फाइल के अंदर जो है पासवर्ड लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी ड्रॉबैक्स की बात करूँ, जैसे आप इस फॉर्म को लॉगिन करते हैं, ठीक है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे मैक्रो इनेबल कंटेंट्स को, तो होगा क्या फ्रेंड्स कि ये आपसे सामने तो यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, लेकिन ये प्रॉपर तरीका नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं, तो लूप होल्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना यूज़र नेम एनाकोंडा, मैंने यहाँ पे लिखा और उसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर देता हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड टाइप किया, इसमें लॉगिन हो गया। तो फ्रेंड्स आपको तो लग रहा होगा कि ये लॉगिन करके जो है काफ़ी सिक्योर मेथड है, तो नहीं फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। इसको और ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो चीज़ पहले जानते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर फाइल पर जाना है और आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा इन्फो का, यहाँ पर आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और इनक्रिप्ट विद पासवर्ड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप जो मर्जी पासवर्ड डाल दीजिए, यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया और रीटाइप करने को बोल रहा है, इसको मैंने रीटाइप कर दिया, ओके कर दिया और इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अब क्या होगा। जैसे मैं इसको क्लोज करता हूँ, अब मैं इसको ओपन करता हूँ, तो सबसे पहले मेरे से पासवर्ड मांगेगा, ठीक है, लॉगिन फॉर्म अभी शो नहीं होगा, पहले मेरे से यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। जब मैं यहाँ पे करेक्ट पासवर्ड डाल दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं ओके प्रेस करूँगा, तब ये जो है लॉगिन फॉर्म मेरे पास शो होगा। अब मैं यहाँ पे भी यूज़र आईडी और पासवर्ड जब करेक्ट डालूँगा तब जाके ये मेरी एप्लीकेशन में जो भी डेटा है वो वहाँ पर शो कर पाएगा। अब इसके अंदर एक लूप होल है, लूप होल मैं आपको दिखा देता हूँ। दरअसल फ्रेंड्स होता क्या है, जितने भी मैक्रो इनेबल कंटेंट्स वाली बुक होती हैं, जो भी आपकी शीट्स वगैरह होती हैं एक्सेल की, चाहे एमएस वर्ड की फाइल्स हैं, चाहे पावर पॉइंट की, इनके अंदर बहुत सारी कमियां होती है। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको फाइल को यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, मैं आपको इसके अंदर एक कमी दिखाता हूँ, कमी क्या है इसका। पहले मैं व्यूइंग एंगल चेंज कर लेता हूँ, लार्ज में सेट कर दिया, तो देखिए ये रियो फाइल मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है। अब आपको क्या करना है, अगर कोई भी हैकर होगा या जिसको डेटा देखना होगा वो क्या करेगा, वो जनरली यहाँ पर आएगा और इसका फाइल का नाम जो है रीनेम कर देगा। तो यहाँ पे मैं टेस्ट कर देता हूँ दिखाने के लिए, और यहाँ पे मैंने सिर्फ फाइल का नाम ही रीनेम किया, कुछ नहीं किया यहाँ पे मैंने। और जैसे मैं अब यहाँ पे एंटर करता हूँ तो सिर्फ यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पासवर्ड ही फ्रेंड्स क्रैक हो जाता है ईजिली। इसके ऊपर भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक जो है ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर ओके करूँगा ना, तो अब यहाँ पर लॉगिन फॉर्म नहीं आएगा। तो देखिए ये एक इसका बहुत बड़ा लूप होल है, ठीक है। ये हालांकि लूप होल में खाली ये नहीं बोलूँगा कि इस चीज़ के लिए है, लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया कि इस तरीके से आप लॉगिन फॉर्म को, अगर आपको लगता है कि वो VBA के थ्रू बना हुआ है, तब जो है आप इस तरीके से बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप बहुत सारे ऑटोमेशन कर सकते हैं, खाली ये जो है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए नहीं बनाया गया है, तो इसमें ऐसी कोई कमी नहीं है। लेकिन आप जो है थोड़ा और प्रोटेक्शन देने के लिए अपनी फाइल को इनक्रिप्ट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ फिलहाल क्लोज। तो देखा फ्रेंड्स, आप सभी ने सिर्फ हमने फाइल का नेम चेंज किया है, सिर्फ फाइल का नाम चेंज होने से अंदर प्रोजेक्ट नेम चेंज हो गया, ठीक है। प्रोजेक्ट नेम चेंज होते ही फ्रेंड्स जो आपने लॉगिन पासवर्ड वाला फॉर्म बनाया था, यूजर लॉगिन आईडी फॉर्म, वो बाईपास हो गया। जी हाँ फ्रेंड्स, देखा कितनी आसानी से ब्रेक हो गया, इससे तो कोई भी जो है आपका डेटा जो है रीड कर लेगा। और प्लस इसमें इतना ही नहीं होता, बहुत सारी बार तो ऐसा होता है कि आप रॉन्ग पासवर्ड भी डाल देते हैं ना, तो कभी कभी अपने आप ही ऑन हो जाता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। आप लोग यकीन नहीं करें, लेकिन आपने तो वीडियो देख लिया, अब आई थिंक आप सभी को यकीन भी हो गया होगा, क्योंकि इस तरीके की हरकतें भी होती रहती हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे तो भाई कैसे सिक्योर करें, तो अब ये भी बात मैं आपको बताता हूँ आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इंक्रिप्शन मेथड जो है इनेबल रखिए,
ठीक है, जो प्रोटेक्शन इनेबल में मैंने आपको बताया कैसे आपको इनक्रिप्ट करना है पासवर्ड के थ्रू अपनी फाइल को, ठीक है, और लेटेस्ट एमएस ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन जो है यूज़ कीजिए, कम से कम एटलीस्ट आपको जो है 2016 का वर्जन जो है ज़रूर यूज़ करना है, ठीक है, इससे नीचे मत आइएगा। और प्लस इसके अंदर आप जो हमने वीवे के थ्रू फॉर्म बनाया, एक ऐसा फॉर्म बना लीजिए। अब आपके पास जो है दो लेयर हो जाएगी सिक्योरिटी की। अब आपको मान लीजिए इसको मेल करना है किसी को, ठीक है, मेल करने से पहले आप इसको एक जिप फाइल में बनाइए और उस जिप के अंदर भी पासवर्ड लगाइए। ऐसे में आपका जो डेटा है ना काफ़ी ज़्यादा जो है सिक्योर रहता है, ठीक है, और ऐसे में बहुत कम चांस है कि आपका डेटा जो है कहीं लीक हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर जो टेक्निक आप सभी अभी तक यूज़ कर रहे थे ना वीडियोस देख के, तो देखा फ्रेंड्स चुटकियों में कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 साल का बच्चा भी है ना अगर कोई फ्रेंड्स, वो भी इसको चुटकियों में हैक कर लेगा, बाईपास कर लेगा, कोई कुछ नहीं है। देखिए मैक्रो इनेबल में कोई ये लूप होल नहीं है, लेकिन हाँ इस तरीके की जो टेक्निक देखे हम सभी को बेवकूफ़ बनाया जाता है ऑनलाइन, तो मैंने बस ये चीज़ जो है आपके सामने लाई है। ये सारी टेक्निक्स जो है फ्रेंड्स इसलिए बनाई जाती है जो वीवे में हम जो वगैरह काम करते हैं, ताकि आपका घंटों का काम जो है सिर्फ कुछ ही सेकंडों में हो जाए, आपका टाइम जो है बर्बाद ना हो, ठीक है। लेकिन ये कोई सिक्योरिटी वाला फीचर नहीं है। हाई लेवल की प्रोग्रामिंग अगर आप जानते हैं तो फ्रेंड्स एक घड़ी मैं बोलूँगा कि आप एक कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं नहीं सोचता कि आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत है। हाँ अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हर यूज़र जो है फ्रेंड्स वो नहीं कर पाता। और ऐसे में अगर बाय चांस मान लीजिए कि आपने ऐसा कोई डेटा कहीं पे शेयर किया है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, अगर वो किसी के हाथ में लग गया तो आपकी तो जॉब गई, और प्लस डेटा चोरी करवाने का नाम अलग लगेगा, बदनामी अलग होगी। तो फ्रेंड्स इन सब चीज़ों से बचिए, थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनिए। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो जो है जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।